Okay, students, I'm here with you again. Today we're going to talk about molecules. And molecule kya hota hai? Molecule is our smallest particle of a pure substance which can exist independently. Yani kisi bhi particle ka ek pure substance hota hai jo independently reh sakta hai. Ek atom wale molecules bhi hote hain, lekin do do atoms ikatthe, teen teen atoms, even do 10,000 atoms bhi ikatthe rehte hain to wo molecule banate hain. ठीक है, तो यही मॉलिक्यूल की स्टोरी है. डेफिनेशन याद करनी है और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के नाम आपको आने चाहिए. कुछ जो है मॉलिक्यूल्स यू कैन से दैट होमोएटॉमिक होते हैं और कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हेटरोएटॉमिक होते हैं. ठीक है, और होमो का मतलब होता है कि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे ओजोन एक सेम यू नो एटम्स रखने वाला मॉलिक्यूल है, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, लेट्स से फॉस्फोरस के 4 एटम्स भी होते हैं, फॉस्फोरस के 8 एटम्स भी होते हैं, सल्फर के 8 एटम्स भी होते हैं. तो ये सारे होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं. और हेटरोटॉमिक में जैसे ग्लूकोज पढ़ा होगा आपने, C6H12O6, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, बट दे आर समथिंग लाइक हेटरोटॉमिक बिकॉज दे कंटेन डिफरेंट एटम्स. और एक चीज़, और दूसरी चीज़ जो है, एटम्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोनोएटॉमिक भी होते हैं, यानी एक एटम वाला मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जैसे नोबल गैसेज एक एटम वाले होते हैं. और इसके अलावा जो है दो एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है दो एटम वाले. इसमें हेट्रो में देखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड दो एटम वाला मॉलिक्यूल है. इसके अलावा ट्राई एटॉमिक होते हैं, ट्राई में पॉली को हम कंसिडर शुरू कर देते हैं कि यानी डाई ट्राई फिर पॉली एटॉमिक हो जाते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड में बहुत से एटम्स हैं तो ये पॉली एटॉमिक है. तो इसी तरह से फिर बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हमारे ब्लड में एक मॉलिक्यूल है उसका नाम है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन HEMO ग्लोबिन, GLOBIN, राइट, ग्लोबिन GL. ओके फाइन, लेट मी जस्ट चेक इट आउट, ग्लोबिन के स्पेलिंग सही है? एग्जैक्टली सही है. तो हीमोग्लोबिन जो है दैट्स अ मॉलिक्यूल एंड इट्स देयर ऑन द रेड ब्लड सेल. यहाँ पे रेड ब्लड सेल के ऊपर होता है, ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल है और इसमें तकरीबन 10,000 एटम्स होते हैं. तो ये बायोलॉजी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल भी है. और मॉलिक्यूल को कैटेगराइज मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल में भी किया जाता है, यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और जो छोटे साइज में होते हैं थोड़े एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स. और इस तरीके से जो है हम इंटरप्रेट करते हैं मॉलिक्यूल्स की केमिस्ट्री को. सो आई रियली विश यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट फ्रॉम द साइड ऑफ मॉलिक्यूल्स.